नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम शिवराज का दिल्ली का दौरा, कई प्रदेश के सीएम पहुंच रहे हैं दिल्ली शाम 4 बजे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली का दौरा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा काफी अहम, क्योंकि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वो सभी मुख्यमंत्री, उन राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये मुलाकात है, इस लिहाज से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और दिल्ली का दौरा है। आपको बता दें, जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है और कई प्रदेश के सीएम भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। और कुमार गौरव हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कुमार, काफी अहम दौरा यह माना जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि कई राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 4:15 के आसपास दिल्ली में एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और शाम में उनका आज संगठन के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग है। जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे, बीएल संतोष भी साथ में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं संगठन को लेकर चर्चा होनी है, चूंकि एक जो मुख्य तौर पर एक चीज़ थी कि केंद्र में कैबिनेट का विस्तार हो गया। मध्य प्रदेश से जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनना था वो बन गए, तो अब क्या जो क्षेत्रीय कैबिनेट है, यानी कि जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट है, क्या उसमें कुछ बदलाव करना है या संगठन के स्तर पे कुछ फेर बदल करना है, ये लेकर कयास जो है पिछले कुछ दिनों से लगाए जा रहे हैं। और ये उनका दूसरा तीसरा दौरा है एक हफ्ते के अंदर। मैं आपको बताऊं कि कल रात 12 बजे उन्हें दिल्ली के लिए उड़ान भरना था, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ घटना हुई जिस वजह से वो रुक गए और वो आज आ रहे हैं। आज उनकी मुलाकात केंद्रीय नेतृत्व से होगी, उसके बाद फिर वो रात को मध्य प्रदेश वापस लौट जाएंगे। कुमार गौरव, अगर देखा जाए तो ये काफी अहम मैं बात कह रही हूँ। और जैसा कि आपने भी बताया कि क्या अब कैबिनेट में, मध्य प्रदेश की कैबिनेट में भी कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ अदला बदली देखने को मिल सकती है। और कुमार, आपको याद हो तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हलचल देखने को मिली। कांग्रेस बार बार कहती हुई नजर आई कि भाई कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पक रहा है, और काफ़ी अफवाहें भी उड़ी थी। तो क्या अब उससे कनेक्ट किया जा सकता है, जैसा कि आपने भी कहा? अब ये देखना होगा कुमार, इंतज़ार थोड़ा करना होगा कि इस मीटिंग के क्या मायने हैं। देखिए, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की बार बार उड़ान ले रहे हैं भोपाल से शिवराज सिंह चौहान, जाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि संगठन या सरकार में मध्य प्रदेश में कुछ न कुछ चल रहा है। हालांकि वो बातें अभी सामने नहीं आ रही है कि किस तरह का बदलाव होना है, सरकार में बदलाव है, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे या फिर वहाँ के संगठन में, चूंकि कई बार ये भी होता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पहुँच जाते हैं, वो उसकी जानकारी पहले से नहीं होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, बिल्कुल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, बिप्लव देव जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है वो पहले से दिल्ली में है, तो कुछ न कुछ हो रहा है। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का ये दिल्ली दौरा और आलाकमान, पार्टी आलाकमान से मिलना, जाहिर तौर पे एक तो बड़ा मैसेज, खिचड़ी पक रही है। अब वो खिचड़ी क्या है, मुलाकात के बाद ये अब मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत